अग्निपथ और उस पर चलने वाले अग्निवीर, एक मुद्दा जिसने पूरे देश में एक चर्चा छेड़ दी, तो क्या वाकई किसी भी दृष्टि से आलोचना योग्य है? अगर है तो इस पर विमर्श होने की जगह हंगामा क्यों? क्या जबरदस्ती किसी का हाथ पकड़ के उसे भर्ती किया जा रहा है? तो जवाब है नहीं। क्या भारत में कोई भी 23 साल की उम्र में सेटल हो पाता है क्या? तो इसका जवाब भी है नहीं। क्या भारत में 23 साल की उम्र में अपने लिए 20 लाख का कैश जमा कर पाता है क्या? तो इसका भी जवाब है नहीं। नमस्कार, मैं श्रद्धा राय, जिम्मेदार कौन पर आपका स्वागत है। 14 जून 2022 मंगलवार के दिन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक योजना की घोषणा की जिसका नाम है अग्निपथ। इसके तहत 17.5 साल से लेके 21 साल के युवा को अपने देश के लिए सेवा करने का अवसर मिलेगा। हालांकि 2 साल कोविड के कारण जो हमारे बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए सरकार ने इस पर रिलैक्सेशन देते हुए 1 साल के लिए ये उम्र 21 साल से बढ़ा के 23 साल कर दी है। पर ये केवल 1 साल के लिए है, यानी कि अगले साल ये डेट चेंज हो के 21 साल हो जाएगी। इस योजना को द टूर ऑफ ड्यूटी भी कहते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जब ब्रिटिश सरकार के पास उनकी खुद की सेना की कमी पड़ गई थी, उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने द टूर ऑफ ड्यूटी की घोषणा की थी। इसके तहत उन्होंने युवाओं को एक निश्चित सीमा समय के लिए ही शामिल किया था और इसके तहत एक कंडीशन थी, यानी कि शर्त रखी गई थी कि जो भी युवा इसमें शामिल होगा उसको 2 साल में केवल या लगभग 200 घंटे ही विमान उड़ाने का मौका दिया जाए। ये योजना काफ़ी सफल रही और पूरी दुनिया में कई देशों ने इसको अपने देश में लागू भी किया। इस योजना का केवल एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी कि नौजवान, सेना में भर्ती हो सके, ट्रेनिंग पा सके और जब भी देश में किसी भी प्रकार का संकट या आपदा आए तो वो अपनी सेवा दे सकें। पूरी दुनिया में 30 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने इस योजना को अपने देश में लागू किया है, पर इनमें से 10 ऐसे देश हैं जहाँ पर केवल मेल्स ही नहीं बल्कि फीमेल्स को भी देश की सेवा करने का मौका दिया जाता है, जिसमें चाइना, इसराइल, यूक्रेन, साउथ कोरियन, नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं। इन सारे देशों में लगभग 6 महीने से लेके 2 साल तक की सेवा देने का प्रावधान है और हमारे देश में 4 साल का। और तो और 25% ऐसे भी युवा रहेंगे जिनको एक परमानेंट जॉब दी जाएगी उनकी योग्यता पे। तो फिर कौन वो लोग हैं, वो कौन से युवा हैं जो आग लगा रहे हैं? ये वही युवा हैं जिनको यकीन है कि वो उन 75% में शामिल हो जाएंगे जब 4 साल के बाद उनको सरकार उनकी अयोग्यता के बेसिस पे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो आखिर ऐसा उनके साथ क्यों है? खैर, इसमें इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इनकी कई पीढ़ियों को शिक्षा मित्र, शिक्षा सहयोगी और मनरेगा जैसे झुंझुने से बहलाया गया है, जिसमें काम कितना होता है सबको पता है, पर देश को योगदान 1% भी नहीं होता। तो क्या कारण है कि भारत देश में लोग सरकारी नौकरी के लिए इतने पागल हैं? ज़्यादातर इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ करना पड़े या ना पड़े, कम से कम काम तो नहीं करना पड़ेगा, और यही कड़वी सच्चाई है। इसलिए भारत देश पूरी दुनिया में काफ़ी पीछे है। संसार में किसी भी देश में बैठने का वेतन और काम करने के लिए रिश्वत का रिवाज नहीं है, सिवाय भारत के। क्या अग्निवीर एक स्वाभिमानी योजना है जिसने उन सभी राजनीतिक दलों की जड़ें हिला दी हैं जो अपने परंपरागत वोटरों को हाथ से फिसलता देख रहे हैं? क्योंकि एक बार उस वोटर का स्वाभिमान जाग गया और देश सेवा में लग गया तो उन्हें वोट देगा कौन? यही कारण है कि उन छात्रों को बरगला कर अब अग्निकांड किए जा रहे हैं। आप और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरे देश में लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो 23 साल की उम्र में अपने माँ बाप के पैसा खर्च करते हैं और बाइक पे घूमते हैं और सोचते हैं कि उन्हें आगे जीवन में करना क्या है। तो अगर सरकार ने इतनी अच्छी योजना दी है तो इस बात पे हंगामा क्यों? देश को सेवा देने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है।
अगर आप फिर भी हंगामा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो जिस प्रकार का माहौल इस देश में बन रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन?